तो भाई कैसे हो यार आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड के एपिसोड 245 के ट्रेलर को, और हाँ साथ ही साथ एक्सप्लेन करूँगा आगे वाले आने नोवेल को। तो यार वीडियो को लाइक जमा के कर देना, सब्सक्राइब पहली बार हो तो कर दियो। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, तो सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई जैसा कि आप जानते हो कि अभी के लिए तेंसन के क्लियर स्काई हैमर में सिर्फ 3 ही स्पीड स्ट्रिंग्स हैं, जिसमें से एक रेड और 2 ब्लैक कलर की है। और जैसा हमें पता है कि सी गॉन्ड के 8 ट्रायल को पास करने के लिए उसे डीप सी डेमन वेलकिंग को मारना पड़ेगा, जिसके लिए थैंक्स हैं क्लियर स्काई हैमर में 5 और नए स्पीड ड्रिंक्स को ऐड करने के लिए स्टार्ट हुआ है, और जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है ताकि वो अपने क्लियर स्काई हैमर में 5 नई ब्लैक रिंग्स को ऐड कर सके। 5 रिंग्स को ऐड करने के बाद थैंक्स हैं के क्लियर स्काई हैमर में हो जाएंगे टोटल 8 रिंग्स, जिसमें उसकी 9th रिंग होने वाली डीप सी डेमन वेल किंग को मारने के बाद, जो कि होगी एक 100,000 ईयर की रिंग। थैंक्स हैं के स्टार फर्स्ट में आने से पहले उसका सबसे पहले पाला पड़ता है ब्लैक जायंट टाइगर किंग से, जो कि एक 65 से 68,000 ईयर का सोल बीस्ट होता है, जिसके पास होती है प्रेजेंट उसकी खुद की एक डोमेन, जो कि एक 100,000 ईयर के सोल बीस्ट के पास भी जल्दी से नहीं होती है। तो भाई थैंक्सैंग और डार्क टाइगर के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जिसके बाद थैंक्सैंग नोटिस करता है कि उस डार्क टेबल का टाइगर की स्पीड और कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट है, जिसकी वजह से वह किसी 100,000 ईयर के भी सोल बीस्ट का मुकाबला बहुत ही आसानी से कर सकता है, उसे बहुत ईजिली किल कर सकता है। और थैंक्सैंग उसके कैलकुलेशन और सिचुएशन फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को देखे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और समझ जाता है अगर उसने उसको एक भी मौका दिया तो वो यहाँ पर सीरियसली इंजर्ड या फिर मारा भी जा सकता है, जिसकी वजह से थैंक्सैंग उससे काफ़ी तगड़े से फाइट करता है। लेकिन हम देखते हैं ट्रेलर में डेविल गॉड टाइगर अपने डोमेन का यूज़ करते हुए थैंक्सैंग को अपने डोमेन के अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से थैंक्सैंग एक बार फिर से उसके डोमेन के अंदर फंस जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्वेन रिंगजी को, जो कि इस दुनिया में कह रही होती कि इस वर्ल्ड में वुहान एम्पायर को मैं ही एक हूँ जो लीड कर सकती हूँ और होल लैंड को यूनिफाई कर सकती हूँ। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है हमें बीवी डोंग को, जिससे क्वेन रिंगजी कह रही होती है कि बीवी डोंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ और तुम मेरी माँ बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं, क्योंकि तुमने मेरे पिता को मारा है, जिसकी वजह से वो उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ते। और जैसा कि हमें पता है क्वेन रिंगजी का पहला ऑब्स्टिकल उसे उसकी माँ ही होती है, जो कि बीवी डोंग है, जहाँ हम देखे एक्सर गॉड के 9 टेक्स्ट में उसकी माँ के पहले ऑब्स्टिकल होने के कारण उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और उसकी बीवी डोंग इस बात पर कहती है देखते हैं क्या तुम मुझे अभी भी सरपास कर सकती हो या नहीं, जिसके बाद इस ट्रेलर का एंड होता है। तो भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, क्या ज़्यादा इसमें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।